भाई भाई पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ बोगे अभी? भाई बड़ा मजेदार चीज हुई है भाई। अबे साले तू फिर से कुत्ते से रोटी के लिए तो नहीं लड़ा? अरे नहीं भाई, नहीं भाई, वो तो अपना पर्सनल मैटर है, उसे बाद में डिस्कस करेंगे। वो है ना बकचोदिकांत, कौन जो वो उस दिन पीपल का पत्ता फूंक रहा था और बोल रहा था गांजा है साला? हाँ भाई भाई, उसका ब्रेकअप हो गया है। क्या सच्ची में? ओबीसी बात करो जरा, फोन मिला जल्दी। हेलो। हाँ भाई बकचोदिकांत कैसा है तू ये तो बता। भाई बेकार हूँ बहुत। तो जाले जी क्यों रहा है, जजा के मर जा कमीन बीसी। भाई छल छवील मेरे को धोखा दे गया। कर दो डालेंगे उसको। पर ये तो बता बात क्या हुई थी? भाई मैं उसे मुंह दिखाने ले गया और गलती से उसका हाथ पकड़ लिया, तो भाई चाटा मार कर चली गई और कहने लगी कि तुझे मुझसे नहीं मेरी बॉडी से प्यार है। अबे बकचोदा इस कुत्ते के मुंह पे रख गई। भाई भाई मेरे को बात नहीं करनी। भाई फोन कट कर दिया उसने। भाई लड़का अच्छा था। भाई ये बताओ कि ब्रेकअप होता क्यों है? तेरे अंदर है हिम्मत तो सुन। सबसे ज्यादा ब्रेकअप होते हैं टाइम को लेकर। पीछे जो बंदे होती है ना, इनको टाइम थोप में चाहिए, थोप में। आप कब कहाँ जा रहे हो, कहाँ लेट रहे हो, कहाँ मूत रहे हो, सबकी डिटेल चाहिए इनको, डिटेल में। और ऑनलाइन हो बात क्यों नहीं कर रहे, बोर हो गए क्या मुझसे? 100 तरह से मुझसे अत्याचार करने की PhD कर रखी होती है इन्होंने। और अगर आप इनको टाइम देने में लेट हो गए तो भी इसी दुनिया तैयार आपका ब्रेकअप कराने को। और फाइनली बंदी बोल ही देती है, डोंट लव मी गो अवे, देन ब्रेकअप। अब बात करते हैं उन चिलकोजों के बारे में जिनको गलत फहमी हो जाती है कि पड़ोस वाली लड़की उसको लाइन दे रही है, तो उसका कनेक्शन अपनी सेटिंग से कम और पड़ोस में ज़्यादा पड़ जाता है और फिर से टाइम की कमी की वजह से गेम ओवर। और उसके होने ना होने का कोई भी हमारे पास सबूत नहीं है, क्योंकि आज तक अपनी बकचोद भरी जिंदगी में मैंने ऐसा केस नहीं देखा है। ये केस सिर्फ आपको देखने को मिलेगा फलवीस यादव, बन्नी शर्मा और 2x3 इंजीनियर की वीडियोज़ में। इसमें होता यह है, एक बंदा गरीब रहता है और वो लड़की का खर्चा नहीं उठा पाता, तो देन लड़की कह देती है ब्रेकअप। तो जो आपके टीवी स्क्रीन पर है जो कहता है बॉयज एंजॉयमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गर्ल्स एंजॉयमेंट, मतलब कि जब ब्रेकअप होने के बाद कुछ दिन जब लड़का मजे लेता है, कूदता है, फलांगता है, तब लड़कियां रोती हैं। और इसके कुछ दिन बाद क्या होता है, जब लड़कियां मौज लेती है तो लड़का रोता है। और यही सिलसिला चलता रहता है। इस फॉर्मूले से आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। अब बकचोदी ये कहती है ब्रेकअप ब्रेकअप बंद करो, लड़ाई वड़ाई बंद करो। नहीं नहीं, कुत्ते की चट्टी बिल्कुल नहीं साफ कराएंगे हम आपसे। तो बारिश सुने, लड़ाई लड़ाई बंद करो, ब्रेकअप ब्रेकअप बंद करो, हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और गाइस इसको जितना ज्यादा हो सके अपने बकचोदी भरे दोस्तों को शेयर करो। धन्यवाद। हा हा हा।